इंजन का बैटरी नाइफ स्विच लगाएंगे। इंजन कैप वन और कैप टू दोनों से स्टार्ट किया जाता है, पर इंजन स्टार्टिंग की सारी स्विच सिर्फ कैप वन में लगी होती है। अब सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। एक एक करके सारे सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं। अब बंद कर देंगे। अब कंट्रोल स्टैंड पर लगी स्विच, इंजन रन और कंट्रोल एंड एफपी स्विच को ऑन करेंगे। जनरल फील्ड स्विच ऑफ रहने देंगे। अब कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होने का इंतजार करेंगे। अब हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है। अब इंजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन स्टार्टिंग स्विच को 15 सेकंड के लिए प्राइम पर रखते हैं। और इसके बाद तुरंत इसको स्टार्टिंग पर रखते हैं 5 सेकंड के लिए। इंजन हमारा स्टार्ट हो गया है, इसको छोड़ देंगे। अब आइसोलेशन स्विच को रन पे कर देंगे। आइसोलेशन स्विच 2 मिनट के बाद ही रन पे करना चाहिए। अगर 2 मिनट से पहले रन पे कर देंगे तो इंजन पुनः बंद हो जाएगा। आइसोलेशन स्विच को रन पे करने के बाद इंजन के सभी प्रेशर जैसे MR, ER, BP और BC सभी प्रेशर बनेंगे। ब्रेक सिलेंडर प्रेशर बनने से हमारे इंजन में ब्रेक लगेगी